की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के महरौली में बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के खिलाफ सैकड़ों लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। आज इस मामले पर दोपहर 2 बजे के आसपास सुनवाई होगी। याचिका में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए के तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगाने की मांग की गई है। करीब 500 लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई पर स्टे लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महरौली में झुग्गियों के डिमोलिशन का मामला है, जहां पर मामला कोर्ट के दर तक पहुंच चुका है। तकरीबन 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। क्या लोगों को राहत मिलेगी या फिर जो कार्रवाई डीडीए की ओर से की जा रही है, क्या उस कार्रवाई को जारी रखने को कोर्ट कहेगा। इससे पहले सोमवार को भी लगातार 4वें दिन डीडीए की ओर से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया था। इधर आम आदमी पार्टी ने डीडीए के बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा कि महरौली में लोगों को डीडीए की तरफ से विस्थापित किए जाने का काम चल रहा है। दरअसल डीडीए दिल्ली सरकार के अंदर में नहीं आता और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इसका दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। आपको ये बता दें कि डीडीए की तरफ से दिसंबर में डिमोलिशन के लिए ऑर्डर जारी किया गया।